जब भी किडनी की काम करने की क्षमता 10% से भी कम हो जाती है उस स्टेज में उसको हम एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं और तब मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। जब भी कभी किडनी के मरीज डायग्नोसिस जिस भी समय उनकी डायग्नोसिस होती है उसके बाद उन्हें रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए। उस फॉलो अप में जब भी उनका क्रिएटिनिन जो किडनी के फंक्शन का मार्कर है 4 या उसके ऊपर पहुंच जाता है इस स्टेज पर उन्हें प्रीएम्प्टिवली एक फिस्टुला का निर्माण करना चाहिए। एवी फिस्टुला एक वेन और आर्टरी का बनाया हुआ एक जोड़कर वेन और आर्टरी को जोड़ के बनाया हुआ एक कनेक्शन है जो हाथ में बनाया जाता है। इसके बनाने की कई साइट्स होती हैं बट फोर आर्म में इसका निर्माण जिसे हम रेडियो केफेलिक फिस्टुला बोलते हैं वो सबसे अच्छा साइट होता है इसे बनाने के लिए। फिस्टुला का निर्माण होने के 6 हफ्ते के बाद ही वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि फिस्टुला बनाने की जरूरत क्यों है। डायलिसिस में हम किडनी जो काम नहीं कर पा रही है खून की सफाई वो हम डायलिसिस की मशीन से करते हैं। शरीर से खून को लेकर मशीन डायलिसिस की मशीन से साफ करके वापस हम शरीर में साफ खून को वापस शरीर में पहुंचाते हैं। डायलिसिस का प्रोसेस यूजुअली 4 से 6 घंटे का होता है। खून को शरीर से ले जाके मशीन में ले जाते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं। इसके लिए हमें हाई ब्लड फ्लो चाहिए होता है। उस हाई ब्लड फ्लो हमारे शरीर की जो नसें या खून की धमनियां होती हैं उनमें ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है इसीलिए फिस्टुला का क्रिएशन किया जाता है। एवी फिस्टुला का बनना बहुत आवश्यक है क्योंकि डायलिसिस के मरीजों के लिए एवी फिस्टुला एक लाइफ लाइन होती है और एवी फिस्टुला के इन्फेक्ट होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। जो भी मरीज जिनको डायलिसिस के फिस्टुला नहीं बना होता है अगर उन्हें इमरजेंसी में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे मरीजों को टेम्परेरी कैथेटर्स या नली जिसे हम बोलते हैं वो लगा के डायलिसिस किया जाता है। ये नली गले में भी लगाई जा सकती है गले की नसों में या फिर जांघ में जांघ की नसों में लगाकर डायलिसिस करते हैं। इसको हम डायलिसिस कैथेटर कहते हैं। इसके 2 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट से ब्लड निकल ले जाते हैं मशीन में साफ करके दूसरे पोर्ट से वापस कर देते हैं। लेकिन नली क्योंकि बाहर से लगाई जाती है इसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको बहुत कम समय के लिए मरीज के शरीर में रखा जा सकता है। डायलिसिस 2 तरीके की होती है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार की जाती है 4 से 6 घंटे के लिए करते हैं। मरीज को लगातार अस्पताल में आना पड़ता है डायलिसिस करा के खून की सफाई करके वापस जा सकते हैं। मरीज के खून को एक आर्टिफिशियल लिक्विड जिसे हम डायलाइजेट कहते हैं उसके अगेंस्ट डायलाइज हम करते हैं। शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं वो खून के द्वारा उस लिक्विड में बाहर चले जाते हैं और जो भी हमारे शरीर में मिसिंग है किडनी की खराबी की वजह से बहुत सारे सब्सटेंसेस शरीर में या खून में मिसिंग है वो सब्सटेंसेस डायलाइजेट जो आर्टिफिशियल लिक्विड होता है उससे ब्लड में वापस आ जाते हैं। डायलिसिस के लिए पानी की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पानी की क्वालिटी हम लोग डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए क्योंकि ये डायलिसिस जो पानी डायलाइजेट का जो पानी है वो मरीज़ के शरीर और खून से लगातार संपर्क में रहता है इसलिए पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर की जा सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम मरीज की अपनी पेरिटोनियम या पेट की झिल्ली होती है वो एक फिल्टर के जैसे काम करती है और उसके थ्रू डायलिसिस किया जाता है। इसे मरीज या उसके परिवार के सदस्य मरीज को घर में रखकर ही कर सकते हैं और इसकी मॉनिटरिंग 15 से 20 दिन या 1 महीने पर फिजिशियन के द्वारा की जा सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस करने में
मरीज और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा सेप्टिक प्रिकॉशन, जिन्हें हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो सारे प्रिकॉशंस किसी भी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस पर इनिशिएट करने से पहले पेशेंट और उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। उनको ध्यान रख के ही हम वो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में होने वाले इन्फेक्शन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, जो पेट की जो झिल्ली होती है उसके अंदर पानी भरा होता है, जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूड बोलते हैं। इस फ्लूड में अगर उन इन्फेक्शन रोकने के साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन पेट में होने के चांसेस होते हैं। उस केस में भी तुरंत आपको अपने चिकित्सक से सलाह करनी चाहिए और एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसी केसेस में पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए भी एक नली पेट में लगाई जाती है, उसको निकालना पड़ता है। किडनी के मरीजों की बीमारी से लड़ने की क्षमता सामान्य मरीजों के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, इसलिए ये पेशेंट किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं। जब भी शरीर में कोई भी आर्टिफिशियल नलकी मौजूद होती है तो इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन क्योंकि बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होने की वजह से बहुत सीरियस हो सकते हैं। जिस भी मरीज को किडनी की बीमारी डायग्नोज होती है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी उचित समय पर अपने डॉक्टर की सलाह से फिस्टुला बनवाना चाहिए। और अगर फिस्टुला तब तक नहीं बन पाया है और नली में जो लगाई गई है उसमें इन्फेक्शन का कोई भी साइन, जैसे कि डायलिसिस के समय ठंड लगना, ठंड लग के बुखार आना, भूख का ना लगना, लगातार उल्टियाँ होना, अगर ऐसे सिम्टम नलकी की प्रेजेंस में हो रहे हैं तो तुरंत पेशेंट के शरीर से कैथेटर को निकालना चाहिए और एंटीबायोटिक्स शुरू करनी चाहिए।